महाकाल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आईपीएल सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, 5 लाख की सामग्री भी बरामद की गई है। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत उज्जैन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सटोरियों को पकड़ा है। उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी के आदेश अनुसार और सीएसपी रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में महाकाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आईपीएल सट्टेदारियों को 5 लाख की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पहले भी आरोपियों के कई अपराध पंजीबद्ध उज्जैन पुलिस डायरी में दर्ज है। महाकाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, आईपीएल सट्टेधारियों को पकड़ा है। क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से पुलिस ने पेट्रोलिंग की और गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है? आईपीएल शुरू होने के बाद से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा है, लेकिन स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। आज मुखबिर ने बहुत ही सुस्पष्ट जगह हमको बताई और वहाँ बताया कि बूढ़ा अपने मकान में आईपीएल का सट्टा ले रहा है। तब सीएसपी साहब को बताया गया और फोर्स को लेकर के उनके साथ में हम लोग गए और गया के घेरा डाल करके व्यवस्थित तरीके से साफ पास वाले मकान से हम लोग वहाँ पर कूदे। तब ये दो आदमी भूरा पिता उस्मान खान, भूरा पिता रशीद खान और ईशान पिता उस्मान खान, ये दोनों कज़िन हैं, कोर्ट मोहल्ला के रहने वाले हैं, इनको वहाँ पकड़ा गया। ये अब कमरे में 2 टीवी और 7 मोबाइल, इन पर लगातार क्रिकेट का मैच देख करके बॉल और बैट अनुसार रनों के अनुसार सट्टा ले रहे थे, इनको पकड़ा गया वहाँ पर। इसके अलावा और भी कोई सामग्री जब्त की गई? इनके पास से कैलकुलेटर और जो रजिस्टर है हिसाब का वो जब्त किया गया है, करीब 5 लाख के आसपास का इसमें अभी हिसाब हुआ था, वो जब्त कर लिया गया। और भी बढ़ सकता है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पुराने कोई अपराध? भूरा पिता रशीद के पुराने सट्टे के कुछ अपराध हैं, लेकिन अभी देखकर बता पाएंगे कितना उसका, कितने रिकॉर्ड है उसका। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।